अरे आपने देखा नहीं क्या, जब से हम आए हैं तब से विराट प्रियंका के पास जाने को भी कतरा रहा है। अरे पास तो छोड़ो, वो तो उससे सीधे वो बात तक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सच्चाई प्रियंका की बातों में नहीं, विराट की बातों में है। क्यों है ना बबीता, कितने बड़े फूल्स हैं हम, प्रियंका की बात मानकर अपने फेवरेट कपल का रियूनियन सेलिब्रेट करने आ गए और यहां तो कहानी कुछ और चल रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है तो क्या है, साफ साफ बोल दो ना, हम सबसे झूठ बोल के हमें क्यों बुलाया यहां पे। हाँ विराट सर ने मेरे लिए बबीता मैम को उनकी सहेलियों के सामने झूठा बना दिया, ये बात ऐसे ही तो नहीं जाने देंगी बबीता मैम। दरअसल ना विराट के ये के मॉम कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की, ना आपको ना मुझे। आपको लगता है ये वर्थ इट है? ये लोग जो हंसते हैं जब दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मजा आता है इन लोगों को। आपको क्या लगता है मॉम, इन लोगों की लाइफ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी लाइफ में? ऑफकोर्स है मॉम, सबकी लाइफ में होती है, पर हमारी आदत नहीं है कि किसी की प्रॉब्लम को गॉसिप बना दे और फिर उनका मजाक उड़ाए। ये मिसेस सिन्हा, हमने इनसे पूछा कि इनके हस्बैंड इन पे चीट क्यों कर रहे हैं? या ये मिसेस बहल, इस उम्र में दूसरी शादी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम ऑल फॉर इट, करनी भी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाऊंगा मैं, क्योंकि सोच का फर्क है और मेरी आदत नहीं है गॉसिप करने की। और आप लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूं, आप लोगों से पूछने की या आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लाइफ मेरी है, डिवोर्स मेरा हुआ है, शादी मेरी हुई है, बीवी मेरी है, आप लोगों से क्या लेना देना? तो ये जो आप लोगों के फालतू के सवाल है ना, इनका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता और ना ही मेरी मॉम देंगी। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई रियली डोंट केयर मैन। विराट प्लीज मॉम प्लीज, और मुझे जरूरत भी नहीं है आप जैसे लोगों की मेरे घर में, जो दोस्त बन के घर में घुस आते हैं किस लिए? ताकि लोगों की लाइफ का मजाक बना सके, थोड़ी गॉसिप मिल जाएगी, थोड़ा तमाशा हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, राइट? स्पाइस अप हो जाती है ना आप लोगों की लाइफ। मुझे जो कहना था ना मैंने कह दिया है, इसके बाद आप लोग मुझसे या मेरी मॉम से या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से ऐसे बकवास सवाल नहीं पूछेंगे।